गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इंटेलिजेंस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका जो हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस किया था उसी के ऊपर देखेंगे कि किस तरह का एमसीक्यू आपका आता है एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सीटेट वगैरह है वहाँ बहुत ही आसान आता है, लेकिन जब टेट की बात होती है, खासकर जब WBTET का, तो उतना आसान नहीं होता है। तो कई सारे जो मनोविद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सभी का एक साथ करना पड़ता है। इसीलिए यदि आपने थ्योरी क्लासेस किया है तो बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका एमसीक्यू का आंसर दे सकते हैं। फिर देखेंगे जो आईक्यू टेस्ट है किस तरह से निकाला जाता है, वो भी चेक करेंगे यदि क्वेश्चन में है तो देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो भी आईक्यू के ऊपर ही है। तो बताया गया यहाँ पे जो आईक्यू ऑफ चिल्ड्रेन हैविंग एवरेज इंटेलिजेंस विल बी, जो आईक्यू होता है, जो इसको इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्वोशेंट कहते हैं, तो ये कितना होता है, किसका बताया गया, एवरेज का, यही पूछता है आपसे। क्या पूछा जाता है, बहुत सारा आपका देखिएगा चार्ट में हमें दिखाया, बहुत सारा है, 25 के बिलो से लेकर के 140 के अबव तक दिखाया है, लेकिन पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है जो एवरेज क्या है और जीनियस क्या है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो एवरेज जो औसत बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 50 to 59, 70 to 89, 90 to 109, 110 to 129, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो इसका क्या होता है, एवरेज वाला होता है नंबर थ्री। जो सही ऑप्शन है ये है 90 to 109, यानी 90 से ऊपर यदि किसी का मार्क्स आता है तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज, यानी आईक्यू टेस्ट के अनुसार ये हो जाएगा एवरेज के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट जो है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ट्राई डायमेंशन थ्योरी इज, ट्राई डायमेंशन थ्योरी का यहाँ पर बताया गया, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ट्राई डायमेंशन, जो यहाँ पे है इसमें त्रिआयामी सिद्धांत जो बताया था आपका, जो क्यूब के माध्यम से बताया था, उसमें कितने फैक्टर्स होते हैं ये यहाँ पे पूछा गया था, कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आपको हमने बताया था कि शुरू में कितना था, यहाँ पे 90, 110, 135, 120 दिया गया है। तो शुरू में बताया था कि इसमें क्या था, 120 फैक्टर था, उसके बाद इसको क्या क्या मॉडिफाइड किया गया उसी 1967 में ही, और 150 किया गया, और उसके बाद जा करके क्या किया गया, बहुत दिन बाद 180 किया गया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शंस क्या है, 90, 110 और 135 और 120, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो फैक्टर्स होगा नंबर हो जाएगा उसका 120। तो सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका, 120, क्योंकि 150 और 180 है नहीं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस जो है उसका एक कॉम्पोनेंट क्या है, इसमें से नहीं है, नॉट बताया गया है। तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, यानी बुद्धि के बारे में आपने देखा बहुत सारे बातें देखा बुद्धि के बारे में, इसमें से कौन सा चीज है उससे रिलेटेड नहीं है, जैसे लॉजिकल थिंकिंग है, वोकेशनल चॉइस है, मेमोरी है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस है। तो आप जब देखते हैं तो क्या है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये भी क्या है, बुद्धि में जो है उसका कॉम्पोनेंट है, और बताएगा कि लोग क्या करते हैं, अपने पिछले जो है उसका अनुभव है उससे सीखते हैं, तो अनुभव जनित जो लर्निंग है ये इसी से आता है, तो ये है बुद्धि का। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, मेमोरी यानी याददाश्त, ये भी क्या है, बुद्धि का कंपोनेंट, यानी क्या है, इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है, याद, यानी जब क्या करता है कोई चीज को बहुत जल्दी याद कर लेता है, तो वो भी कंपोनेंट में शामिल है। जो आपने देखा था 7 कंपोनेंट था, उसके बाद जो गार्डनर का 9 कंपोनेंट किया गया, उसमें क्या है, मेमोरी शामिल है। वहीं पे वोकेशनल चॉइस जो आता है, व्यावसायिक विकल्प जो है, ये आपका इंटेलिजेंस में क्या है, ये शामिल नहीं है। तो सही ऑप्शन बोला था जो नॉट कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, वोकेशनल चॉइस नहीं है। वहीं पे लॉजिकल थिंकिंग जो तार्किक सोच है, ये तो है ही, जो क्रिएट थिंकिंग होता है उसमें ये भी शामिल है। तो तीन है, नंबर टू क्या है, नहीं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नंबर टू यानी व्यावसायिक विकल्प क्या है, ये बुद्धि का घटक क्या है, नहीं है। नेक्स्ट है, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट का बात बताया गया इंटेलिजेंस टेस्ट का। इंटेलिजेंस टेस्ट जो बहुत सारा किया गया है हमारे भारत में, बहुत सारे जो मनोविद हैं उन्होंने किया है, लेकिन उतना के बारे में आपको जानना नहीं है, सिर्फ क्या है कि किसने सबसे पहले किया ये जानना है। और जो बाहर के जो मनोविद हैं, जो भारत के बाहर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे क्या है टेस्ट किए हैं बच्चों के ऊपर, बताया कि इतने सारे तरह से क्या होता है इंटेलिजेंस को, यानी बुद्धि को मापा जाता है, यानी परीक्षण कर सकते हैं, हालांकि एक्यूरेट नहीं होता है फिर भी। तो पहला किसने इस पर क्या क्या टेस्ट किया जो मान्य है, किया तो बहुत सारे उन्होंने,
डेविड क्या है, वेस्लर है, अल्फ्रेड बिनेट है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन है, रॉबर्ट स्टेमबर्ग है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसने सबसे पहले किया था, तो हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट ने सबसे पहले किया था। सही ऑप्शन क्या है, नंबर टू, जो क्या है अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट और जो बिनेट साइमन टेस्ट जिसको कहते हैं, दो आदमियों ने मिलकर किया था, तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, नंबर टू। वहीं पे अगला जो प्रश्न है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, थ्योरी कौन सा थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। एयरफोर्स पायलट के लिए किस तरह का इंटेलिजेंस का जरूरी होता है, जो यहाँ पे तो जो आप ग्रुप फैक्टर थ्योरी में पढ़ते हैं और मल्टीपल इंटेलिजेंस है इसमें भी आप पढ़ते हैं कि उसमें सात था, इसमें भी पहले सात था, बाद में नौ किया गया। तो एयरफोर्स के जो पायलट है उसके लिए किस तरह का इंटेलिजेंस चाहिए, इंटेलिजेंस तो बहुत सारा है उन्होंने बताया, जैसे है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक है, काइनेस्टिक है, और क्या इंट्रापर्सनल है इसमें। तो यहाँ पर एयरफोर्स क्या है, पायलट है, चालक है, तो एयरफोर्स जो चालक है वो क्या करेगा, वो हवाई जहाज उड़ाएगा, यानी जो एयर क्राफ्ट है उसको उड़ाएगा, उसके लिए उसके किस चीज का जरूरत पड़ेगा, उसका क्या है जब उड़ाएगा तो उसका जो बॉडी मूवमेंट है उसका जरूरत पड़ेगा, पैर का, हाथ का, इस सब का मूवमेंट का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद तो दिमाग का जरूरत तो पड़ता है क्योंकि बुद्धि तो चाहिए, बुद्धि का एक टाइप है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है, जब आप किस चीज में सक्षम होते हैं, दूसरे से बात करने में निपुण होते हैं, दूसरे से घुलने में, मिलने में, दूसरे को अलग व्यक्ति से। लिंग्विस्टिक वाला बात जो है वो क्या आता है, भाषागत बात है, यदि आपकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, आप अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं भाषा में, तो ये आ जाता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के ऊपर आता है। वहीं पर जब क्या आता है काइनेस्थिक जो होता है, जिसको काइनेस्टिक यहाँ भी है, तो ये क्या है, यह होता है बॉडी मूवमेंट के ऊपर में, किसमें आता है बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट यानी आपका जो शरीर का किसी भी मसल्स का मूवमेंट करवाते हैं, या आपका जो हाथ है, पैर है, अच्छा जैसे एथलेटिक्स वगैरह होता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक यानी फिंगर का मूवमेंट। तो एयर जो पायलट है एयरफोर्स को क्या करेगा, वो जब उड़ाएगा तो अपने हाथ का मूवमेंट करेगा, या जिस चीज का हो पैर का, अपने बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर थ्री क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। वहीं पे हमने बताया कि इंट्रा पर्सनल, जैसे इंटरपर्सनल क्या है, दूसरे व्यक्ति से बातचीत में निपुण होना है, और इंट्रा पर्सनल मतलब जो खुद से बातचीत करता है उसमें क्या है वो निपुण, इस तरह का है। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर थ्री, यानी एयरफोर्स पायलट है तो काइनेस्थेटिक क्या है वो इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद व्हिच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें बताएगा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है किससे है, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद व्हिच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस का किससे जुड़ा हुआ है, जो है इमोशनल है यानी भावनात्मक बुद्धि जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो इंट्रापर्सनल यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरा जो ऑप्शन है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है, और क्या है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, अस्तित्व क्या है अस्तित्वगत बुद्धि, यानी चौथा ऑप्शन क्या अस्तित्वगत। तो अस्तित्वगत बुद्धि जो है इसमें क्या होता है कि वो दूसरे दुनिया के बारे में सोचते हैं, यानी वास्तविक चीजों के बारे में, तो ये नहीं होगा कि यहाँ पर बताएगा इमोशनल भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस ये क्या होता है, जो चीज नहीं है उसके बारे में, जो चीज मान ली उसको बनाना है तो पहले उसकी कल्पना वो कर लेता है और उसी तरह से वो बनाता है, जैसे मान ली एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है तो उसको पहले मालूम है कि यहाँ पे ये होगा, वहां वो होगा, इस तरह से हमको क्या करना है बनाना है, यानी उसके मस्तिष्क में पहले से आ जाता है। तो ये भी नहीं है क्योंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। वहीं पर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट मतलब प्रकृतिवादी बुद्धि, किसे कहते हैं, जो हो गया आपका प्रकृति से जिसको लगाव होता है, यानी पशु पक्षी इसके ऊपर रिसर्च करता है, उसको जानता है, उसके लगाव है, उसके साथ घूमता है, या तो इसमें भी क्या है उस तरह से भावनाएं क्या है जुड़ी नहीं है। लेकिन जब इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात आती है तब क्या होता है, उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता काम करता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं भाषागत तरह से, या बात करते हैं, या अपने से जुड़े होते हैं, खुद से जब बात करते हैं, तो ज्यादातर उसमें क्या होता है इमोशंस होता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर वन हो जाएगा। हालांकि नेचुरलिस्ट में भी क्या करता है, कई जगह पर देखा जाता है जो लोग एनिमल्स जुड़े हैं या पेड़ पौधों से, वहां भी भावनाएं काम करती है, लेकिन ज्यादा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या है, इंट्रा पर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहां क्या होता है भावनात्मक बुद्धि काम करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर वन। नेक्स्ट है
देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स वुड बी, यानी गार्डनर्स का जो मल्टीपल थ्योरी था, देखिएगा गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें जो आपका सेल्फ अवेयर है ये किससे जुड़ा हुआ है, यानी गार्डनर के बहुत बुद्धि सिद्धांत अनुसार वह कारक जो आत्म जागरूक यानी अपने आप जो है, यानी अपने आप से बात करना, अपने आप को सांत्वना देना, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो क्या है, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, स्पिरिचुअल या लिंग्विस्टिक। तो इसमें क्या है, तो म्यूजिकल तो जो म्यूजिक से जुड़ा होगा जो नाम ही है, स्पिरिचुअल भी नहीं है जो धार्मिक गुरु वगैरह होता है, लिंग्विस्ट भाषागत, तो क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल। तो बहुत ही आसान है इसका, यदि आपने थ्योरी क्लास किया है तो इसका आंसर क्या है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, जो सेल्फ अवेयर जो आत्म अपने आप बात करेगा, अपने आप को सांत्वना देगा, अपने आप से जुड़ा रहेगा, उसको क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल, इससे अंतर वैयक्तिक कहते हैं इसको। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 7 का नंबर 2। इसके बाद है, Which of the following statements is most appropriate about intelligence? Intelligence के बारे में यहाँ पे कई सारे जो बात है बोला गया, इसमें से कौन सा क्या है सबसे ज्यादा appropriate है? One of the following is most appropriate about intelligence. Intelligence के बारे में क्या बात है? Intelligence can be reliable, determined only administering standardized IQ test. Intelligence is fundamentally neurological functioning. स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग या सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल, या इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट टू इट। इसमें चार बात बताया गया, चारों में से ज्यादा सही कौन है? तो पहला जो है, बुद्धिमत्ता को केवल मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों का संचालन करते, नहीं ये क्या है गलती, यहाँ को ऐसे ओनली दिया हुआ है तो इसे भी आप समझ जाएगा एक पक्ष नहीं हो सकता है बुद्धि का, इसलिए तो ऐसा ही भी गलती है। डिटरमाइन ओनली एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट, इस तरह पर हम बुद्धि को नहीं माप सकते हैं। तो दूसरा, इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, खाली क्या है ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग में या स्पीड प्रोसेसिंग होगा, सिर्फ यही इंटेलिजेंस है ये भी नहीं है। तो तीसरा क्या, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल, सिर्फ स्कूल में अच्छा करने को क्या बुद्धि कहेंगे, ये भी क्या है सही नहीं है। तो इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, क्या होता है मल्टी डायमेंशन, बुद्धि का भी क्या है बहुत सारे क्या होते हैं डायमेंशन होते हैं, यानी बहुआयामी होते हैं, बहुत सारे बुद्धि होता है, सिर्फ एक बुद्धि नहीं होता है एक ही किसी इंसान के भीतर, कई सारे बुद्धि हो सकता है, बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, इसीलिए क्या है यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा इंटेलिजेंस के बारे में क्या है वो नंबर 4, यानी इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट। नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अ पर्सन विथ अ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषागत जो बताया गया है लिंग्विस्टिक, यानी भाषा का जो भाषागत बुद्धि है, भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन सा इसमें दर्शाता है? तो भाषाई जो बुद्धि है क्या होगा, सेंसिटिविटी टू पीच मेलोडी एंड टोन के बारे में, यानी पीच मेलोडी और टोन हो जाएगा, तो भाषा का बात नहीं कर रहा है तो ये क्या कर रहा है संगीत का। द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमंग अदर्स, एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस, यानी दूसरे को नोटिस करना और उसमें क्या भेद जो है थोड़ा अंतर को पहचानना, तो क्या ये भाषा जो बुद्धि है क्या उसके ऊपर है? तो नहीं, उसके ऊपर भी नहीं है। द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, यानी बहुत बड़े बड़े जो रीजनिंग है उसको हैंडल करना इसमें भी नहीं है। तो जो इसको लिंग्विस्टिक यानी भाषा का ज्ञान है, यानी जो भाषाई बुद्धि कहते हैं, अर्थात क्या है उसको अच्छी तरह से भाषा आता है, शब्दों का सही प्रयोग कर सकता है, बहुत सारे शब्द आता है, बहुत जल्दी जल्दी शब्द उसके मुंह से निकलता है, बहुत अच्छा वो वक्ता होता है। तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे है मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इसीलिए जो वर्ड्स आगे एंड द वैरिड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी क्या कर सकता है भाषा का अच्छा से व्यवहार कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है, प्रेषित कर सकता है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का क्या हो जाएगा, वर्ड्स जहां पे शब्दों का प्रयोग करना, वर्ड्स का प्रयोग करना, यही क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर 4। द चिल्ड्रेन हुज इंटेलिजेंस कोशेंट इज अबव 140, जिसका इंटेलिजेंस कोशेंट 140 के ऊपर होता है, विल बी कैटेगरीज इन कैटेगरी ऑफ, ये किस कैटेगरी में आएगा? यानी आपने देखा कि जो सीरीज है यानी जो चार्ट है उसमें बहुत सारे दिया हुआ है पॉइंट्स,
नौ दस पॉइंट्स दिया हुआ है, उसमें डिवाइड किया गया है। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं अलग अलग तरह से डिवाइड किया है, फिर भी जो कॉमन चीज है उसमें देखेंगे, जो 140 के ऊपर जिसका आएगा, मान लीजिए आप ही आप एग्जाम दे रहे हैं, 150 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो टेट है आपका WB टेट, उसमें आपका मान लीजिए 140 के ऊपर आपका मार्क्स आ गया, तो आप किस श्रेणी में पढ़ेंगे? तो किस में आएंगे? मोरन है, डल है, एवरेज है और जीनियस है। मान लीजिए आपको 140 मैंने बहुत बड़ी बात है, तो उसको क्या कहेंगे? जीनियस कहेंगे। जीनियस लोग ही क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, यानी प्रतिभाशाली। वो किस कैटेगरी में आता है? प्रतिभाशाली में आता है, यानी आदित्य उसमें क्या होता है? बुद्धि होता है, यानी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको 10 20 50 किताब भी दे दिया जाए, पूरा सीरीज करवा दिया जाए, फिर भी आप 140 नहीं ला सकते, यदि आपके भीतर क्या इंटेलिजेंस नहीं है, यानी कॉमन इंटेलिजेंस जो होता है, जीनियसपन का जो भाव होता है प्रतिभाशाली का। जो बच्चे इस तरह से जीनियस है, प्रतिभाशाली है, वो क्या कर सकते हैं? अपने बुद्धि का उपयोग करके, तरह तरह से इस्तेमाल करके वो इसको पार कर सकते हैं। तो 140 के ऊपर जिसमें IQ टेस्ट में जिसका मार्क्स आया, इसका मतलब क्या है? वो जीनियस है, यानी प्रतिभाशाली, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। ये मेंटल एज जो है किसके द्वारा? मेंटल एज जिसको MA भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मेंटल एज, ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक है, गिलफोर्ड है, स्पीयरमैन है और क्या है? बिनेट साइमन है। तो मानसिक आयु का अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो कौन सा होगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा बिनेट साइमन। बिनेट साइमन जो था, इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे टेस्ट किया था, बहुत बच्चों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद क्या किया था इसने? मेंटल एज, जिसको पहले सबसे पहले उसको कॉर्निकल एज भी कहा जाता था, बाद में वही मेंटल एज आया, लेकिन बाद में दोनों को क्या किया? विभेदित किया गया। इसलिए इसका सही उत्तर क्या जाएगा? बिनेट साइमन। सबसे पहले किसने दिया था मेंटल एज के बारे में बात? किसने की थी? बिनेट साइमन ने। नेक्स्ट है बिनेट साइमन टेस्ट मेजर्स, यानी बिनेट साइमन टेस्ट जो है, जो आपने बताया जो मेंटल एज दिया था, जो IQ टेस्ट करते हैं, तो ये किस चीज का, बुद्धि के कौन सा पक्ष को ये मापते हैं? यानी बच्चों में तो बहुत सारे बुद्धि हैं, मल्टी डायमेंशनल जो बताया गया आपको, बहुत आयामी बुद्धि होता है हर तरह का, तो क्या मापते हैं? जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड मापते हैं, रवैया या योग्यता, क्या मापता है ये जो आपका बुद्धि टेस्ट किया जाता है? तो साधारण तौर पर देखते हैं कि बुद्धि को जो मापने का सही तरीका नहीं है, सही तरीका से किसी एक पक्ष को आप मेजर कर सकते हैं क्या? सही वो भी मेजर नहीं कर सकते, फिर भी ये टेस्ट लिया जाता है और एक एवरेज निकाला जाता है। तो ये किस चीज को मापते हैं? तो जनरल इंटेलिजेंस को मापते हैं, जो साधारण बुद्धि होता है, जो सभी में प्राय पाया जाता है, जनरल इंटेलिजेंस, उसी को ये मापा जाता है, किसी की विशिष्ट बुद्धि को सही तरीका से नहीं माप सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सामान्य बुद्धि, यानी जनरल इंटेलिजेंस। और जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में हमने बताया भी था आपको क्लासेस में कि क्या होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो बिनेट साइमन टेस्ट किसको मापता है? जनरल इंटेलिजेंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है ये थ्योरी किसने दिया था? तो हमने आपको बताया था थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी जो किसने दिया और वो कहाँ के निवासी हैं और ये कब दिया, डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड ज्यादातर प्रश्न आता है। तो द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड है, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने? अल्फ्रेड बिनेट है, हॉवर्ड गार्डनर है, फ्रांसिस गैल्टन है और BS ब्लूम है। तो किसने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस? क्या है? हॉवर्ड गार्डनर। क्या होगा इसका सही उत्तर? नंबर 2, हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया। याद रखिएगा हमने ये भी बताया था मल्टीपल फैक्टर अलग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस अलग है, थ्री डायमेंशनल क्या है अलग है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बस उसी को समझना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नंबर 2, हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी दिया था। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ स्टेनबर्ग ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ, इसमें कौन सा है? यानी स्टेनबर्ग का जो ट्रायर्चिक थ्योरी आप देखेंगे उसमें तीन बातें बताया गया था, ट्रायर्चिक थ्योरी का तीन बात था, तीन बात में से यहाँ पे एक जो है दिया गया है। तो कौन सा उसका ट्रायर्चिक थ्योरी का यहाँ पे बात बताया गया है? तो इसमें बताया गया प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यदि आपने देखा है स्टर्नबर्ग का ट्रायर्चिक थ्योरी, इसमें आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? प्रैक्टिकल, जो पहला दिया हुआ है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, वो आपको यहाँ पर दिखेगा, प्रैक्टिकल का बात उसने कहा था। तो दूसरा जो ऑप्शन है, एक नंबर ही आपका क्या है सही है,
जो है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल, सब वर्ड पे ध्यान देना है, तो आप देखेगा एक्सपेरिमेंटल भी दिया, नहीं एक्सपेरिमेंटल वो नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंटल था। यदि यहाँ पे मेंटल को हटा दिया जाए, एंटल बना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाता, तब दो हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल दिया यानी प्रायोगिक है। एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक और एक्सपेरिमेंटल मतलब अनुभवात्मक, क्या हो जाएगा यदि अनुभवात्मक, तो ये ऑप्शन क्या है, नहीं है, पहला ही क्या है सही है, यानी एक्सपेरिमेंटल मतलब जो क्रिएटिव अनुभवात्मक होता है और क्रिएटिव है, इस तरह का तीन थ्योरी था उसमें। तो सही क्या है, नंबर वन व्यावहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ सेल्फ इज रिफर्ड टू, यानी बताया गया जो क्या है, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ सेल्फ इज रिफर्ड टू, किससे है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस या पर्सनल इंटेलिजेंस, यानी जो क्या करता है अपने संवेगों को, भावनाओं को, खुद से संबंधित है, अपने आप से बात करता है, अपने आप से रिलेटेड करता है, उसको कायम रखता है, अपने संवेगों पे क्या करता है, संयम रखता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के बुद्धि मान लोगों को किस श्रेणी में रखा गया है, यानी क्या नाम दिया गया, जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक मतलब तो कई बार आप सुन चुके हैं, भाषागत इसको नहीं कहते हैं, तो क्या होता है इंट्रापर्सनल, आपने दो चीज पढ़ा था, एक था इंट्रापर्सनल और एक था इंटरपर्सनल, तो इंट्रापर्सनल क्या करता है, जो खुद से बात करता है, खुद को संयम करता है, खुद को कायम रखता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल। तो नंबर टू क्या है इसका सही, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। वहीं पर स्पेशल क्या होता है, जो चीज नहीं है उसको भी कल्पना में क्या करता है, सोचता है और उसका अनुभव करता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर टू। इसके बाद है एवरी लर्नर्स इज यूनिक मीन्स दैट, एवरी लर्नर्स यानी सभी जो है ना क्या होता है अपने आप में क्या है, यूनिक होता है, शिक्षार्थी क्या आदित्य है, यूनिक है, तो इसका अर्थ क्या है, तो नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड टैलेंट, लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल्स, अ कॉमन क्यूरिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन अ हेट्रोजेनियस क्लासेस, तो एवरी लर्नर इज यूनिक, तो ये इसका मतलब क्या होता है, यूनिक है यानी जो है सभी अपने आप में अद्वितीय है, इसका यही अर्थ होगा कि सभी का क्या है, गुण अलग अलग है सभी में, तो भैया नो टू लर्नर्स आर अलाइक, एक जैसा दो कभी एक जैसा नहीं है। उसके बाद है इन देयर एबिलिटीज, किस में, एबिलिटीज में, इंटरेस्ट में या टैलेंट में, किसी भी चीज में एक जैसा नहीं हो सकता, यानी कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस होता है, जो आपने इंडिविजुअल डिफरेंस में पढ़ा, हेरिटी और इन्वायरमेंट में पढ़ा, तो क्या होता है सभी बच्चों में कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, इसलिए बताया गया जो एवरी लर्नर इज यूनिक, इसका मतलब किसी चीज में दो जो व्यक्ति है, व्यक्ति अर्थात जो दो बच्चे हैं आपस में क्या होता है, समान नहीं हो सकते, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, तो यूनिक का मतलब यही होता है। तो नंबर वन जो है क्या है आपका, सही भी है, यानी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं होते हैं। द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डील्ड बाय स्टेनबर्ग ट्रायर्चिक थ्योरी एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे जो स्टेनबर्ग है उसने जो दिया था ट्राई आर्चिक थ्योरी, उसमें से तीन चीज के बारे में बताया था, तो यहाँ पे चार चीज दिया गया है, तो इसका तीन चीज कौन सा है और चौथा चीज कौन सा नहीं है, वही आपको खोजना है। तो किसके बारे में उसने बताया था, जैसे बताया था कॉन्टेक्चुअल है, कॉम्पोनेंशियल है या एक्सपेरिएंशियल है, यहाँ पे देखिए जो एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरिएंशियल यानी जो अनुभवात्मक है, तो जो स्टेनबर्ग का ट्रायार्चिक थ्योरी है उसमें कॉन्टेक्चुअल के बारे में बात किया गया है, कॉम्पोनेंशियल का भी बात किया गया है और एक्सपीरियंशियल का भी, सोशल यानी सामाजिक का बात नहीं किया गया था, और यहाँ खोजना क्या है जो उसके जो थ्योरी है थ्योरी में शामिल नहीं है, तो सोशल हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सोशल यानी सामाजिक। हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज, यानी हॉवर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी है किस चीज के ऊपर ये बल देता है, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत इस पर किस पर जोर देता है, कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में या कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल्स, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। अभी आपने देखा था यूनिक का मतलब क्या होता है, बताया था सभी की क्षमताएं अलग अलग होती है, सभी डिफरेंसेस होता है, और ये बात किसने कहा था, मल्टीपल इंटेलिजेंस में हॉवर्ड गार्डनर ने ये बात बताया था, तो इसका मतलब क्या है, जो द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल यानी जो प्रत्येक व्यक्ति की आदित्य क्या होती है, क्षमताएं होती है, इस बात को किसने कहा था, हॉवर्ड गार्डनर ने, और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी किसने दिया था,
अवारगान, इसी पे वो जोर देता है, इसी बात पर। इसीलिए उसने बुद्धि को बहुत सारे भाग बताया और सभी का अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टी या गुण भी बताया। सही ऑप्शन क्या है इसका, नंबर फोर। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मींस इंटरपर्सनल, बहुत ही आसान। इंटरपर्सनल हमने बताया, इंट्रा और इंटर, इंटर मतलब क्या करता है, बाहर किसी व्यक्ति से दूसरे से, और इंटर मतलब खुद से, इंट्रा मतलब खुद से, इंटर मतलब बाहर, इंट्रा खुद से। तो यहाँ पे है टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सेल्फ, अपने आप जो है कमी को पहचानना। स्किल टू मोटिवेट अदर्स, दूसरे को क्या करना, मोटिवेट करना। वहीं पे क्या, स्किल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल, यानी स्किल टू अंडरस्टैंड यानी दूसरे व्यक्ति को समझना, इसके बारे में बात किया गया है। या स्किल टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, यानी दूसरे से कम्युनिकेट करना अर्थात संवाद करना। तो इसका अर्थ क्या है, इंटरपर्सनल हमें बताया दूसरे व्यक्ति से क्या करना है, संवाद करना, यानी उससे मिलना, उससे बात करना, उसको समझना। तो यहाँ पे क्या है, जो स्किल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल, सिर्फ समझने को हम लोग नहीं कह सकते, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर नंबर फोर, स्किल टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, यानी दूसरे से कम्युनिकेशन करना, संवाद करना, कैसे आप मिलते हैं, यही क्या है जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर फोर, दूसरों के साथ संवाद करने का जो कौशल, जो ये स्किल किसी को आता है उसी को हम लोग कहेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या है, सक्षम है। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड हैज गिवेन द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग एज इक्विवेलेंट टू, तो गिलफोर्ड ने दिया था जो कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये इसका मतलब क्या होता है, ये किसके समकक्ष बताया, जो इसके अनुसार, किसके अनुसार, गिलफोर्ड। ऐसे आप जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है उसमें नहीं जाएंगे, ये थिंकिंग के बारे में, और वो भी क्या है, गिलफोर्ड के अनुसार उसमें क्या बात बताया गया था, इंटेलिजेंस के बारे में, क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है इसको इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों ही इसमें क्या, बुद्धि और क्या है जो रचनात्मकता, दोनों से ही क्या है इसका कन्वर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी ये दोनों ही क्या है आपका सही है, यानी तीन नंबर ऑप्शन आपका क्या है राइट है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी इसमें से जो दिखाया गया चार मेंटल रिटार्डेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता नहीं है, किसका, मेंटल रिटार्डेशन का, अर्थात मानसिक मंदता जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका लक्षण नहीं है, यानी खोजना है। चार ऑप्शन है, तो मानसिक मंदता किसको कहते हैं, यानी कम बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उसको कहते हैं, जिसका आई क्यू लेवल बहुत ही कम होता है, तो उसका इसमें से प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसे आई क्यू बिटवीन 25 से 70 का जो आई क्यू वाले लोग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक मंदता के अंदर वो आता है। तो इसमें से बता उसका कैरेक्टर नहीं, तो उसका कैरेक्टर है मानसिक मंदता का, अर्थात मेंटल रिटार्डेशन का, ये क्या है, एक कैरेक्टर है। दूसरा ऑप्शन था लर्निंग इन ए स्लो पेस एंड अनेबल टू डू द एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन, यानी ऐसे लोग जो है मानसिक मंदता के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, स्लो में, बहुत स्लो गति से क्या करते हैं, बहुत मंद गति से किसी चीज को सीखते हैं, तो ये बात सही है। उसके बाद जो क्या है, अनेबल टू डू द एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन, रोज का जो काम है उसको जो दिया जाता है, चाहे कोई भी काम हो, घर का हो, स्कूल का, कहीं का भी काम हो, उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं अपनी बुद्धि के कारण, इंटेलिजेंस के कारण, यानी मंद बुद्धि के कारण। तो ये भी है उसके बारे में सही है, जो मेंटल रिटार्डेशन का। दूसरा जो है, तीसरा है, पुअर एडेप्टेशन विद द एनवायरमेंट, यानी उसका जो है पर्यावरण के साथ खराब अनुकूलन होता है, क्योंकि उसकी जो है मेंटल रिटार्डेशन के कारण, मानसिक बुद्धि यानी बुद्धि कम होने के कारण कह सकते हैं जो पुअर एडेप्टेशन है। ये भी क्या है, सही है कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, सही से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा है दूसरे लोगों के साथ में, या पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी इसका बात नहीं कर सकते हैं, यानी मानसिक मंदता का क्या है, इंटर जो है पर्सनल रिलेशंस, इंटरपर्सनल मतलब क्या होगा, दूसरे लोगों से संवाद में। तो यहाँ पे बताया गया जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर चार, जो खराब पारस्परिक संबंध, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसकी जो मानसिक बुद्धि कम है वो जो खराब पारस्परिक संबंध है, सभी के साथ खराब व्यवहार करेगा या उसका संबंध खराब है, ऐसा बात नहीं है, यानी बहुत तेज वाला कहीं अच्छा रहेगा ऐसा भी नहीं है। इसीलिए बताया गया जो खराब पारस्परिक संबंध यानी पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी ये उसकी विशेषता नहीं है, यानी किसी के बुद्धि यदि मंद है, यानी कम मान लीजिए चालाक है, या समाज में तो ऐसे लोग क्या होता है, और भी ज्यादा उसका संबंध अच्छा होता है, यानी बुद्धि कम है तो दूसरे लोगों से बहुत ही उसके संबंध क्या होते हैं, ज्यादातर अच्छा होता है, तो ये उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो सही क्या हो जाएगा, नंबर फोर। नेक्स्ट है,
Which of the following is not a sign of an intelligent young child? Not a sign, यहाँ फिर से बताया गया कि ये अब पहले वाला था जो mental retardation का characteristics है, यहाँ बताया जाए intelligent young child का जो है characteristics मान लीजिए नहीं है. Which of the following is not a sign of, उसका लक्षण नहीं है. Sign मतलब उसका क्या है, लक्षण नहीं है. जो intelligent बच्चा है उसका लक्षण यहाँ नहीं है, वही खोजना है. तो पढ़ते हैं, पहला जो options है, one who has the ability to cram long essay very quickly, या one who has the ability to communicate fluently and appropriately, या one who carries on thinking in an abstract manner, या चौथा ऑप्शन है one who can adjust oneself in a new environment. तो पहले जो देखते हैं, one who can adjust oneself in a new environment, यदि कोई क्या कर रहा है नए नए जगह पे जाकर के अपने आप को तुरंत सामंजस्य स्थापित कर लेता है. बहुत सारे देखेंगे जो चालाक बच्चा होता है, बुद्धिमान बच्चा होता है, किसी नया एनवायरमेंट में जाएगा या नया क्लास में जाएगा, तुरंत सबसे घुल मिल जाता है, बात करने लगता है. इसका मतलब उसका बहुत ज्यादा जो है हर तरह का जो पहलू है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा है. यानी उसका भाषा अच्छा हो सकता है, या मिलने का जो तरीका है वो अच्छा हो सकता है, किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, किससे बात करना है, वो उसको आता है. तो मतलब ये इंटेलिजेंट का गुण क्या है, है आपको जो नहीं है वो खोजना है, ये इंटेलिजेंट का गुण है. इसके बाद है वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग एन अब्स्ट्रैक्ट मैनर, यानी जो अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है, यानी जो कल्पना कर सकता है, जो नहीं है उसके सामने उसके बारे में भी सोच सकता है, जैसे रीजनिंग वगैरह कर सकता है, या जैसे मूर्तिकार के बारे में बताया मूर्ति बना सकता है, तो कुछ भी है. बच्चे भी ऐसे करते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो जो चीज उसके सामने नहीं उसके बारे में सोच के उसकी कल्पना करके कुछ ना कुछ करते हैं. तो ये भी क्या है, गुण है तो इंटेलिजेंट चाइल्ड का. तीसरा जो है वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड एप्रोप्रिएटली. द कम्युनिकेट फ्लुएंटली यानी जो बहुत ही अच्छी तरीका से बेफिक्र होकर किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये क्या है, इंटेलिजेंट का ही क्या है, गुण है, यानी अच्छा है. तो ये भी क्या है, जो इंटेलिजेंट चाइल्ड है उसका भी ये प्रॉपर्टीज है. वहीं पे जब पहला ऑप्शन देखते हैं तो वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे वेरी क्विकली, यानी बहुत बड़े बड़े जो एसे दिया जाए उसको बहुत जल्दी याद कर लेता है, तो क्या उसको इंटेलिजेंट कहेंगे, नहीं, उसको सिर्फ क्या कहेंगे, जो रटंत विद्या यानी रटने का उसका प्रैक्टिस है, बहुत जल्दी वो रट सकता है, यानी मेमोराइज कर सकता है, यानी रट सकता है. तो एबिलिटी यदि है बहुत लंबे ऐसे को तुरंत याद करने के, उसको हम लोग बुद्धि के अंतर्गत जो लाते हैं वो नहीं होता है इंटेलिजेंस. तो वन नंबर आपका सही था, खोजना था जो नहीं है, तो नहीं क्या है, एक नंबर, जो लंबे निबंधों को सीखता से रखने की क्षमता रखता हो, ये इंटेलिजेंट चाइल्ड का गुण या प्रॉपर्टीज नहीं है. नेक्स्ट है रमेश एंड अंकित हैव द सेम आईक्यू, यानी रमेश और अंकित दो व्यक्ति हैं, यानी दो उसका क्या है आईक्यू क्या है, सेम है और 120 है. रमेश इज 2 years younger than अंकित, यानी क्या है, रमेश 2 साल क्या है, छोटा है. If अंकित इज 12 years old, अंकित का उम्र क्या है, 12 साल है, तो then the mental age of रमेश, यानी रमेश का मेंटल एज आपको यहाँ पर निकालने को दिया है. तो कहीं कहीं पे आपको क्या करता है, आईक्यू फाइंड करना पड़ता है, कहीं पे मेंटल एज निकालना पड़ता है, कहीं पे क्रॉनिकल एज निकालना पड़ता है. तो इसमें से हम देखेंगे जो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका जो होता है आईक्यू इज इक्वल टू, यानी जिसका आईक्यू क्वेश्चन निकालना होता है वो क्या होता है, मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इनटू क्या होता है 100. इसमें से 1, 2, 3 तीन में से कोई दो आपको पता हो तो तीसरा निकाला जा सकता है, यदि आपको इक्वेशंस आते हैं मैथ में. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रमेश एंड अंकित हैव सेम आईक्यू, तो आईक्यू इसका कितना है 120, तो ये 120 आईक्यू की जगह पर 120 रखेंगे. इसके बाद क्या बताया गया है, रमेश इज 2 years younger than अंकित, अंकित से क्या 2 साल छोटा है और अंकित क्या 12 है. अंकित यदि 12 साल का है और उससे 2 साल छोटा है तो रमेश का एज कितना हो जाएगा 10 years, कितना हो जाएगा 10 years, यानी 2 साल बोल रहा है जो ना यंगर है तो 10 years. तो ये 10 years क्या है, यानी जो वास्तविक उम्र उसका बताएगा, तो वास्तविक उम्र को क्या कहते हैं, क्रॉनिकल एज कहते हैं. तो सी ए की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 10, वहीं पे आपका क्या करना है, मेंटल एज आपको क्या करना निकालना है इनटू क्या करना है 100. बहुत ही आसान है. इसके बाद देखेंगे तो एम ए इक्वल टू 120 इंटू 10/100 क्या हो जाएगा, सो एम ए यानी मेंटल एज इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 इंटू 10/100. ये 0 0 ये कैंसल आ गया यहाँ पे 12, आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 इयर्स हो जाएगा. उसका मेंटल एज कितना है 12 इयर्स, तो यहाँ पे है 9 इयर्स है, 10 इयर्स है, 12 इयर्स है, 14 इयर्स है. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर 3 क्या है, 12 इयर्स है. अर्थात क्या बताया गया, मेंटल एज ऑफ रमेश, सो रमेश का मेंटल एज कितना हो जाएगा आपका 12 इयर्स हो जाएगा. तो बहुत ही आसान है निकालना.
नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट्स द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। आपने पढ़ा था जो जी और एस के बारे में, जो जनरल इंटेलिजेंस है और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, इसको किसने दिया था? तो दो है, क्या है, एनार्चिक थ्योरी है, गिलफोर्स थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट है, एसपीएस में टू फैक्टर थ्योरी है, वर्नन्स हायरार्कियल थ्योरी है। तो बहुत ही आसान, यदि आपने थ्योरी क्लास पढ़ा है तो आराम से दे सकते हैं, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जी और एस है, दो ही चीज है, तो क्या हो जाएगा, टू फैक्टर थ्योरी हो जाएगा, टू फैक्टर थ्योरी। और इसे किसने दिया था, एसपीयर मैन ने दिया था, एसपीयर मैन टू फैक्टर थ्योरी। सही ऑप्शन क्या है, नंबर थ्री है, यानी जी मतलब जो जनरल होता है, साधारण ज्ञान जो सभी में प्राय पाया जाता है, एक जैसा ज्ञान होता है, और एस जो क्या होता है, स्पेसिफिक, जो कोई किसी चीज में अच्छा नॉलेज रखता है या स्किल उसका क्या है, अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक क्या है, स्किल्स है या इंटेलिजेंस है। तो नंबर थ्री क्या है, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, तो नंबर थ्री इसका क्या है, सही ऑप्शन है। इसके बाद है, इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ फाइव, फिर से एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, किसी का एक बच्चा का मेंटल एज दिया गया फाइव इयर्स है एंड क्रॉनिकल एज क्या है फोर है, देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ द चाइल्ड। आईक्यू निकालना है तो बहुत ही आसान, इसका ही बताया हमने आपको किस तरह से आपको फॉर्मूला में बैठना है, दो चीज आपको पता रहेगा, तीसरा निकाल सकते हैं। आईक्यू फाइंड करना है, फिर वही हमने अभी अभी आपको बताया, आईक्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पे मेंटल एज कितना दिया है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है मेंटल एज कितना है, फाइव है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये फाइव। और क्रॉनिकल एज, क्रॉनिकल एज अर्थात क्रॉनिकल एज का मतलब क्या होता है, वास्तविक उम्र, जिसको यहाँ पे बताया जो काला क्रोनोमिक आयु जो है, जो कितना है, चार है, तो फोर लिखेंगे इंटू क्या है 100, फोर से ये कैंसिल करना है 25, 25 इंटू फाइव इजकल टू 125, तो 125। तो उसका आईक्यू कितना हो जाएगा, इसका आईक्यू हो जाएगा 125, सो 125 नंबर एक में ही है, ये क्या हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से आपके एग्जाम में, इस तरह से सीटेट में तो बहुत बार दिया जा चुका है, लेकिन आपका जो डब्ल्यू बी टेट है इसमें भी इस तरह का देगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा समझना, मेंटल एज क्या है, क्रॉनिकल एज क्या है, यहाँ जैसे सीधा सीधा दिया हुआ था, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको पता रहेगा, निकाल सकते हैं इसमें डाल करके। नेक्स्ट है, गार्डनर फॉर्मुलेट अ लिस्ट ऑफ सेवन इंटेलिजेंस, उसने सात जो इंटेलिजेंस का लिस्ट बनाया था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, सात जो बुद्धि के बारे में बताया, जो उसका स्पेशल बुद्धि होता है, उसमें से कौन एक जो है नहीं है, उस सात में से यहाँ पर एक नहीं है, तो आपको उसको ढूंढना है, क्या स्पेशल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। बहुत ही आसान है, यदि आपने देखा है, आपने पढ़ा है, तो बहुत ही आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या है, लिंग्विस्टिक यानी भाषागत उसमें है, इंटरपर्सनल बार बार अभी तो कई बार आ गया, अभी इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल ये भी है इसमें है। उसके बाद स्पेशल के बारे में भी हमने आपको बताया, जो चीज क्या है, जिसको स्थानिक बुद्धि कहते हैं, स्थानिक बुद्धि अर्थात जिसके बारे में, जो सामने नहीं है उसके बारे में, यानी अमूर्त चीजों के बारे में कल्पना करके अपने इमेज में, उस इमेज जो दिमाग में इमेज उसका क्या करता है, बना लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। तो एक दो तीन, ये तीनों क्या है, जो गार्डनर का जो सेवन थ्योरीज है उसमें है, तो क्या नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, नहीं है, यही आपको क्या करना है, खोजना है। तो नंबर जो टू है ये क्या है आपका, सही ऑप्शन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये क्या है उसके थ्योरी में, सात जो थ्योरी था उसमें से ये शामिल नहीं है लिस्ट में। नेक्स्ट है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स मिनरल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कॉल्ड, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जाएंगे, वहां भी सात था, सात का नौ किया गया, उसमें बताया गया था बहुत सारे इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया, तो उस इंटेलिजेंस का प्रॉपर्टीज खोजिए, यहाँ दिया गया है प्रॉपर्टीज दिया है आपको, इंटेलिजेंस का नाम खोजना है, क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल मिनरल्स और प्लांट, यहाँ पे देखिए एनिमल और प्लांट है, मेरी सभी क्या है, प्राकृतिक चीज है, उसके बारे में क्या करता है, जानता है, पहचानता है, उसका इंटरेस्ट रखता है, उसके पास जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, किस तरह का इंटरेस्ट, इस तरह का व्यक्ति जिसको इंटरेस्ट हो पशु में, पक्षी में, मिनरल्स में, जंगल में, पृथ्वी में, किसी चीज में, ये जो प्राकृतिक जितना भी चीज है उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, मैंने उसमें किस तरह का इंटेलिजेंस क्या डेवलप है, लॉजिक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस या लिंग्विस्ट इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस, सीधे क्या है नेचर से जुड़ा हुआ है, तो नेचर से क्या हो जाएगा, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ये देखें किससे जुड़ा है, नेचर से,
इसका आसान इसी तरह से देखें वो किस चीज से जुड़ा है उसी के ऊपर क्या करेंगे उसका नाम है तो नेचुरलिस्ट हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेचुरलिस्ट यानी प्रकृतिवादी बुद्धि उसमें क्या हुआ है विकसित हो गया, डेवलप हो गया है। वहीं पे लॉजिक मैथ मैथमेटिकल यानी जो गुना भाग करने में काउंटिंग करने में होता है, वहीं पे लिंग्विस्टिक में बताया जो आपको भाषा जिसका बहुत ही अच्छा होता है, वहीं पे क्या स्पेशल अभी आपने बताया जो कल्पना शक्ति से कुछ भी इमेज करता है, तो बहुत ही आसान है ये। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका नंबर टू। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज, अ फ्यू वेरी ब्राइट एंड अ फ्यू वेरी डल इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ, यानी बताएगा बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या है एवरेज, एवरेज अर्थात क्या होता है 90 से जो 100 1209 था उसके भीतर आता है जिसका आईक्यू लेवल एवरेज इसी को कहा गया है। तो ज्यादातर बच्चे भी आप देखेंगे जो इसी बीच में आते हैं, आपका टेट भी यदि 150 का ज्यादातर बच्चे क्या था 90 के आसपास ही रहते हैं ज्यादातर, और कुछ बच्चे क्या करते हैं 110 को क्रॉस करते हैं, 120 को भी 1 2 4 10 20 क्रॉस करते हैं, लेकिन 140 को बहुत कम क्रॉस करते हैं। तो इस तरह से जो बताया जो मेजोरिटी ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 90 के ऊपर 100 110 इसके बीच में रहते हैं। अ फ्यू वेरी ब्राइट इसका मतलब कुछ जो होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है, अ फ्यू वेरी डल मान बहुत कम, यानी तो यहाँ पे इज बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिश्ड किस प्रिंसिपल पे क्या आधारित है, इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंसेस, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस है, ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एंड द सेक्स डिफरेंसेस। तो क्या होता है बुद्धि का जो ये जो डिफरेंसेस है किस पे है, ये हो जाएगा सही उत्तर इंटेलिजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस का क्या हो रहा है यहाँ पे बुद्धि का वितरण, बुद्धि का क्या हो रहा है यहाँ पे वितरण हो रहा है कि किस तरह से है, यानी जनरल बुद्धि तो सभी में है फिर भी क्या होता है कोई मंद बुद्धि होता है कोई बहुत चालाक होता है किसी में बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, इस तरह से क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंटेलिजेंस का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और जनरल इंटेलिजेंस के बारे में जो बताया ये क्या होता है जन्म से ही होता है कोई नया नहीं होता है जन्म से ही होता है, जो स्पेशल इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है जन्म के बाद एक्वायर करता है, लेकिन जो बुद्धि जिस बुद्धि की बात की गई है वो क्या होता है जन्म से ही क्या होता है हेरिडिटी कारण हो सकता है या कोई भी कारण हो जन्म से ही क्या होता है उसको प्राप्त होता है। इसलिए क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात क्या है जो बांटना, जितना बुद्धि आपको बांट दिया गया है भगवान ने आपको उतना क्या क्या है मिला है जन्म के समय, तो यही क्या है इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है वो काम करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू टेंड्स टू, आईक्यू के आधार पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं देयर सेल्फ एस्टीम एंड टू डैश देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी क्लासिफिकेशन कर देंगे किसी के आईक्यू के आधार पर यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा, यानी आपने क्लास में देख लिया जिसका बहुत ज्यादा आईक्यू अलग बैठा दिया, जिसका कम आईक्यू है अलग बैठाया, जिसका एकदम कम है एकदम अलग कर दिया, इस तरह यदि हम कैटेगरीज कर दें क्लासिफाई कर दें तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू टेंड्स टू डैश देयर सेल्फ एस्टीम क्या हो जाएगा डिक्रीज, यहाँ पे बहुत सारा डिक्रीज है डिक्रीज है डिक्रीज है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, उसका सेल्फ एस्टीम क्या हो जाएगा घटेगा, क्योंकि आप देखेंगे आईक्यू लेवल बताया जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं क्लास में कितना मिलेगा 1 2 3 4 मिल सकता है ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसको अलग रख के उसको ज्यादा महत्व देंगे तो बाद बाकी बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है आत्मसम्मान है वो क्या हो जाएगा कमी आएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज। दूसरा क्या है एंड डैश टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये भी क्या होगा गिरेगा, क्योंकि आत्मबल ही उसका यदि गिर गया तो मनोबल उसका टूट जाएगा तो क्या होगा एकेडमिक स्कोर भी गिरेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे जब देखेंगे जो आईक्यू लेवल के आधार पर जब आप क्लास डिवाइड करेंगे तो आपको जो पढ़ाना भी पड़ेगा उसी के आधार पर पढ़ाना पड़ेगा, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हो तो ऐसे भी कर लेंगे और उसको अगर आप अच्छा से पढ़ाते और ज्यादा कर लेंगे, इस तरह से क्या होता है डिक्रीज एंड डिक्रीज का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी छात्रों को उनके आईक्यू के आधार पर अलग अलग समय में वर्गीकृत करने से उनके आत्मसम्मान में क्या होगा कमी होगा, आत्मसम्मान में कमी होगा और उनका जो शैक्षणिक प्रदर्शन है वो भी क्या हो जाएगा घटता है घटता, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा घटता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका नंबर एक। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड प्रोसेसिंग बॉडली काइनेस्थिक इंटेलिजेंस, यानी इनमें से कौन सा एक बच्चे में शारीरिक गतिक बुद्धि रखने का अंतिम चरण हो सकता है,
अर्थात इसमें से बताया गया सर्जन है, पॉइट है, ऑरेटर है, पॉलिटिकल लीडर है, तो किस चीज के बारे में बताया? काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी जो काइनेटिक मतलब क्या होता है, शारीरिक गति, यानी शारीरिक किस बात बताया गया है। आप इसमें देखिए, इसमें क्या है, सर्जन है, पॉइट है, या वक्ता है, ऑरेटर है, या पॉलिटिकल लीडर है, तो इसमें अपने शरीर के अंगों का काम कौन करता है, शरीर का मसल्स का इस्तेमाल कौन करता है, जिसका जो बॉडीली है ना, बॉडी का, तो पॉलिटिकल लीडर ये बॉडी का इस्तेमाल है, ये ज्यादातर तो अपने मुंह का इस्तेमाल करेगा, यानी भाषा का इस्तेमाल करेगा, लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, बोलने में माहिर होगा, आपको मैनिपुलेट करने में माहिर होगा। ऑरेटर वक्ता, वक्ता भी तो वही सेम पॉलिटिकल लीडर की तरह बात करेगा, यानी भाषागत विकास इसका ज्यादा होगा। वहीं पर पॉइंट है, पॉइंट क्या करेगा, चिंता करेगा और लिखेगा, चिंता यानी चिंता करेगा, कल्पना करेगा, पॉइंट है। लेकिन जहां पे सर्जन है, सर्जन क्या करेगा, सर्जन क्या करता है, चिकित्सा में शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं, काटता है, यानी हाथ का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल करेगा, हाथ का, हाथ के मसल्स का बहुत ही बारीकी से, यानी उसका जो हाथ का मसल्स है, मस्कुलर मोटर स्किल बहुत ही क्या डेवलप्ड है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात होगा तो क्या हो जाएगा, सर्जन नंबर एक क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, आईक्यू स्कोर्स आर जनरली डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। आईक्यू स्कोर क्या है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उससे कैसे संबंधित है, मॉडरेटली है, लिस्ट है, परफेक्टली है, हाईली है, तो आईक्यू स्कोर जो होता है एकेडमिक से जो उसका है बहुत ही हाईली क्या होता है, रिलेटेड होता है, क्या हो जाएगा, अत्यधिक। नेक्स्ट है, हु इज एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट थिंकिंग स्पीड इज नॉट अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी थिंकिंग स्पीड इज नॉट ए प्राइमरी मेंटल, यानी जो बहुत तेज गति से सोचने की गति क्या है, प्राथमिक मानसिकता क्षमता नहीं है, यानी बहुत तेज गति से जो सोच सकता है उसको प्राथमिक मानसिक क्षमता हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कहते हैं। ये बात किसने कहा था, यानी किसका ये मत है, तो क्या है, थॉर्नडाइक है, थर्स्टन है, गिलफोर्ड है, स्पीयरमैन है, तो ये बात किसने कहा था, ये क्या था, थॉर्नडाइक ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर वन थॉर्नडाइक। जी फैक्टर थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, जी फैक्टर थ्योरी, तो आपने देखा कि यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है जी फैक्टर थ्योरी किसने द्वारा, स्पीयरमैन, कैटल है, गाल्टन है, नॉन ऑफ दीज है। तो जैसे स्पीयरमैन ने कौन सा दिया था, जनरल जी फैक्टर और एस पर टू फैक्टर थ्योरी, इसको कहते हैं टू फैक्टर। टू फैक्टर का क्या नाम था, एक था जनरल नॉलेज और एक था स्पेसिफिक नॉलेज, यानी दो नॉलेज था, इसलिए टू फैक्टर नाम दिया। तो यहाँ पर जी फैक्टर का बात किया गया है, तो क्यों, क्योंकि इसमें जो जी होता है, हमने बताया था जी क्या है, सभी में होता है, जबकि ये सब में नहीं होता है, और ये क्या होता है, स्टैटिक होता है, अर्थात क्या, स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है, तो इसीलिए चूंकि नहीं बदलता है, सभी में होता है, स्थिर होता है और इनेट होता है, जन्मजात होता है, तो जी जनरल है, इसीलिए इसका जी फैक्टर नाम दिया गया था, किस पे, इसी जी के कारण, तो इसको जी फैक्टर भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन जाएगा, स्पीयरमैन ने दिया था टू फैक्टर थ्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जी फैक्टर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन। Which of the above statement is incorrect? इसमें से कौन सा गलत है, यही आपको ढूंढना है एक चार में से। तो a creative chick may be poor in the religious value, यानी एक रचनात्मक चित्त धार्मिक मूल्यों में कमजोर हो सकता है, यानी जो क्रिएटिव थिंकिंग करने वाला जो होता है, जो पुअर इन द रिलीजियस वैल्यू, बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड। उसके बाद है, स्पीयरमैन गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा है, तो आपको क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब चार नंबर तो होगा ही नहीं, इस तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। तो बताए जो एक क्रिएटिव थिंकिंग मे बी पुअर इन द रिलीजियस वैल्यू, मे बी है चूंकि यहाँ पे, यानी जो क्रिएटिव जो आदमी होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है, वो बताया जो रिलीजियस वैल्यू में, धार्मिक चीज के बारे में, उसके मूल्य के बारे में, उसमें उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, कम हो सकता है, कम होता है ऐसा नहीं बताया, जो ये क्या बताया, मे बी, हो भी सकता है, जो क्रिएटिव होता है, जो ज्यादातर क्रिएटिव लोग, क्रिएटिव लोग क्या होते हैं, जो नया नया चीज खोजते हैं, जब मान लीजिए साइंटिस्ट हो गया या बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, ये जो क्रिएटिव है तो पीपल है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपने काम में चूंकि व्यस्त रहते हैं, तो इन सब चीजों पर क्या करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं, जो उसमें क्या होता है, रिलीजियस वैल्यू के बारे में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होता या उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये क्या है, सही है, ऐसा हो सकता है, होता है, ये नहीं बताएगा, मे बी बताए, इसीलिए क्या है, ये सही है।
बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस पॉजिटिव क्या है कोरिलेशन इज फाउंड, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता के बीच एक सकारात्मक संबंध क्या होता है पाया है। ये भी क्या है? सही है। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच पाया जाता है संबंध, ये भी सही है। एस्पियर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, यहाँ पे क्या ये गलत है, क्योंकि एस्पियर मैन ने क्या किया था मेंटल एज के बारे में नहीं बताया था। किसने बताया था? बिने ने बताया था, बिने साइमन ट्विस्ट ने, तो बिने ने बताया था जो आपका है। यहाँ पे एस्पियर मैन दिया गया, इसीलिए क्या ये गलत है, और आपको क्या करना था, गलत ही खोजना था। इसका ऑप्शन थ्री जो है ये आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट है, Which of the given options below strengthens the theory of multiple intelligence by Howard Gardner? अब गार्डनर के बारे में है, यानी कौन सा विकल्प हवार्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को मजबूत करता है, तो सपोर्ट करता है। तो ईच इंडिविजुअल हैज यूनिक एबिलिटीज, स्कूल नीड सम कॉमन एबिलिटीज इन देयर स्टूडेंट, इंडिविजुअल्स नीड जनरल इंटेलिजेंस, एवरी लर्नर शुड हैव कंडीशनिंग स्किल्स। बहुत ही आसान, हवार गार्डनर अभी आपने देखा था, दो तीन क्वेश्चन इसी पे यूनिक एबिलिटी के बारे में आपने देखा था, बहुत ही आसान है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर वन, यानी प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय क्षमताएं होती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, बुद्धि होता है सभी में, कुछ ना कुछ क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक समान किसी में भी नहीं रहता। नेक्स्ट है, Which one of the following intelligence gives one the ability to manipulate and create mental image in order to solve problems and is not limited to visual domain? यानी बताया गया जो किस तरह का जो उसमें क्षमता होती है, create mental image अर्थात क्या कर रहा है, वो अपने दिमाग में भी क्या कल्पना करके पिक्चर बना रहा है, और उसके बाद क्या होता है, इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान अपने दिमाग में कल्पना करके कर रहा है, और है नॉट लिमिटेड विजुअल डोमेन, तो यानी उसको जो दृश्य चीज की आवश्यकता नहीं, फिर भी क्या कल्पना करके अपने दिमाग में सोच करके काल्पनिक तरीका से, यानी अमूर्त चीजों के बारे में भी सोच सकता है। तो इस तरह की जो क्षमता होती है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, स्पेशल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक है, म्यूजिकल है, और बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस। बहुत ही आसान है, ये क्या हो गया स्पेशल के बारे में, यानी जिसको स्थानिक कहते हैं, स्थानिक बुद्धि। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर एक ही क्या इसका सही उत्तर है, स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में। मान लीजिए क्या कर रहा है, जो आपने क्या किया, राजमिस्त्री को ले आया, मैसन को ले आया, और उसको घर बनाने का, तो क्या है उसको पहले बता दिया, उसको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे घर बनाना है, यहाँ से बाल उठेगा, यहाँ खिड़की रहेगा, वहां दरवाजा रहेगा, यहाँ छत आएगा, उसके दिमाग में पहले से क्या है, या आर्किटेक्ट के दिमाग पहले से क्या कल्पना आ गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल जो है, स्पेशल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि कहते हैं। वहीं पे लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का विकास है, म्यूजिकल मतलब जिसको म्यूजिक का अच्छा नॉलेज हो, या बॉडी काइनेटिक मतलब जिसका बॉडी पार्ट्स वगैरह सही से काम करता हो। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर एक, स्थानिक बुद्धि इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसर्न द फीलिंग्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स, व्हाइल डैश इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन्स ओन फीलिंग एंड मोटिवेशंस। बहुत ही आसान है, यहाँ पे क्या करना है, फीलिंग्स एंड इंटेलिजेंस ऑफ क्या अदर्स है, पहला वाला क्या है, दूसरे के बारे में, यानी दूसरे के फीलिंग को समझना, दूसरे को समझना, दूसरे से क्या करना है, बात करना, कम्युनिकेट करना। वहीं पे दूसरा वाला क्या, टू अंडरस्टैंड, अपने आप को समझना, अपने फीलिंग्स को, वन्स ऑन अपने फीलिंग को समझना, अपने से बात करना, या अपने आप भावनाओं को शांत करना, इस पे क्या करता है वो माहिर होता है, यानी उसको पता होता है कैसे करना है। तो ये चीज क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो पहला दूसरे के बारे में, तो दूसरे के बारे में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे के बारे में इंटर, जो अपने बारे में है वो क्या कहते हैं, इंट्रा, तो इंटर एंड इंट्रा। तो पहला ऑप्शन में क्या इंटर है और इंट्रा है, तो पहला इंटर, दूसरा क्या हो जाएगा इंट्रा पर्सनल, तो इसके बाद तो पहला ही राइट है, तो इसके बाद तो देखना ही नहीं है यहाँ पे, तो सही ऑप्शन है आपका नंबर वन। इसके बाद है, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100 वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी ये जो है फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला जिसपे हमने देखा कि किस तरह से हम निकालते हैं आईक्यू टेस्ट का, ये किसने दिया था, किसने दिया था, रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर बिनेट स्केल, मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड टेस्ट है, या बिनेट साइमन है, नॉन ऑफ द एबव है। अभी तक आपने यही देखा था, बिनेट साइमन देखा था, बिने ने दिया था आपको क्या, मेंटल एज के बारे में उन्होंने पहले बताया था। ये क्वेश्चन क्या है,
जो ये फॉर्मूला किसने दिया था, तो बीने और साइमन ने मिलकर के क्या किया, एक फॉर्मूला जो निकाला था, तो इस फॉर्मूला को बाद में क्या किया गया, संशोधित किया गया। कहाँ पे? तो एक था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे जाकर के इसका क्या हुआ, फिर से रिवाइज किया गया और वहीं से फॉर्मूला निकल के आया। तो बताया जो वाज प्रोपाउंडेड बाय द डायरेक्ट, इसका बिनेट साइमन आंसर नहीं होगा। यदि मेंटल एज होता तो क्या होता, बिनेट साइमन होता। लेकिन पूरा जब कोई रहेगा आपका इक्वेशंस, तब आपको देखना है क्या होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर बिनेट स्केल, इसको हम लोग कहना है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपाउंडेड और प्रतिपादित किसने किया, चूंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है, ये स्टैंडफोर्ड क्या था, यूनिवर्सिटी, इसीलिए वहीं से बाद में संशोधित हुआ, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर देते हैं नंबर वन में। नेक्स्ट है, स्कोर्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट कैन नॉट बी फुल्ली रिलाइड ऑन बिकॉज, यानी जो इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं वो पूर्ण तरह से हम उसको भरोसा नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पे है, कोई भी ऐसा मशीन नहीं निकला है जो आदमी की बुद्धि को सही से माप सके या उसके सभी पहलू को माप सके। हम एक चीज को तो माप सकते हैं, लेकिन सारे पहलुओं को नहीं माप सकते हैं कि किस किस तरह का उसके भीतर बुद्धि है। भाषाई बुद्धि हो सकता है, सांगीतिक हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है, स्पेशल बुद्धि हो सकता है, तो कितने तरह के बुद्धि उसमें होता है, तो उसको सही तरह से नहीं माप सकते हैं। तो बताया यहाँ पे, बुद्धि परीक्षण के अंकों पर पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बता, फैटिक लेवल कैन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस, यानी फैटिक लेवल जो है, हाँ ये कर सकता है। यानी बच्चों का आप क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं। अब देखा गया सभी बच्चे आए, उसमें से कुछ बच्चे जो रात को मान ली शादी ब्याह में गया होगा या बर्थडे पार्टी में गया, ठीक से वो सो नहीं पाया और जब स्कूल आया तो थका हुआ है, उसको नींद आ रहा है। तो अब उस समय जब आप क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, फेल ही होना है, उसके कम मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये फैटिक लेवल कैन इन्फ्लुएंस, ये कारण भी क्या है, सही है, इसीलिए रिलायबल नहीं है, इंटेलिजेंस टेस्ट है। दूसरा है, कल्चरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द स्कोर, ये भी है, आपका जो सांस्कृतिक कारक है, आप किस समाज में रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, उसके ऊपर, इसलिए क्या है, ये भी सही है। तो दे जनरली डू नॉट रिवील ऑल द मेंटल एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन, वे अपने तौर पर किसी व्यक्ति की सभी मानसिक क्षमताओं को प्रकट नहीं कर सकते, ये भी सही है। कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, उसकी सभी मानसिक क्षमताओं को नहीं माप सकता है। मान लीजिए कोई भी स्किल है आपको जो आ रहा है, मान लीजिए आप एक कवि हैं, आप कल्पना करके कविता लिख सकते हैं, तो कैसे मापेगा कि आपके पास कितनी क्षमताएं हैं, नहीं माप सकते। आप मान लीजिए एक संगीतकार है, आप म्यूजिशियन है, कर सकते हैं, तो कैसे मापेगा कि आपकी म्यूजिक का जो वैल्यू इतना है या इतना दूर तक, कोई स्केल तो है नहीं। तो इसलिए सारे पहलुओं को नहीं मापा जा, कुछ पहलुओं को मापा जा सकता है, उसके ऊपर धारणा दी जा सकती है, बट सभी जो मानसिक क्षमताएं हैं जिसको करने की, उसको हम लोग सही तरह से नहीं माप सकते हैं। तो तीनों इसमें से क्या है, सही है, इसीलिए क्या है, पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता इंटेलिजेंस टेस्ट पे। तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन क्या है, सही है, इसीलिए नहीं हम लोग कर सकते हैं। और जो अंतिम प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो है पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि जिसने इसको दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो दिया, प्रतिपादित किया, जिन्होंने बताया इसके बारे में, वही क्या है, उसका फादर है या जनक है। तो गार्डनर है, वाइगोस्की है, ब्रूनर है और पियाजे है। तो बहुत ही आसान है, क्या गार्डनर बहुत बार आप पढ़ चुके हैं अभी भी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गार्डनर, गार्डनर। तो ये क्या है आपका, आज जो MCQ था आज का है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।